India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को. और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल wifistudy में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर के, जो कि डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर कई सारे पेपर हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आजकल एग्जाम के अंदर होता है. और सुबह 5 बजे और 8 बजे वाला सेशन को आप फॉलो करते होंगे, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो डेली आपकी तैयारी हो रही है. तो अगर आप 4-6 महीने देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिलेगा. तो उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे सुबह 5 से 9 बजे के बीच में. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो वीडियो को लाइक और शेयर हमेशा की तरह करते रहें, और पीडीएफ के लिए आप wifistudy एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था. बहिष्कृत हितकारी सभा के बारे में मैंने आपसे पूछा था, किसके द्वारा इसको बनाई गई है. तो देखिए, इसको जो बनाया गया था दोस्तों, वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा इसको बनाया गया था, बहिष्कृत हितकारी सभा, क्योंकि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनको काफी प्रॉब्लम्स होती थी, तो इसीलिए बाबा साहेब ने इसको बनाया था. तो ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर था. आज का क्वेश्चन देखते हैं. पहला, निम्नलिखित में से कौन 14 मिलियन अनुयायियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरा है. कौन है जो कि नियर बाय 1.5 करोड़ मिलियन फॉलोअर है प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे. किसके हैं दोस्तों? ये है नरेंद्र मोदी जी के. तो आपका आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा. आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक पहल पीता की शुरुआत की है. तो लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, और ऐसा किया है दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने. सीएम आपको मालूम है नवीन पटनायक है, और गवर्नर आपके पेपर में कई बार आ चुका है, जो कि गणेशी लाल जी को बनाया गया है कुछ टाइम पहले. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. आगे चलते हैं, किस दर पर केंद्रीय बैंक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो एक इकोनॉमिक्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण सा सवाल है, और अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप वो टॉपिक का नाम लिख के आगे मेरा नाम लिख दीजिए, आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो मिल जाएंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या होती है दोस्तों. काफी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, सभी पेपर के लिए, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है आरबीआई की, जो कि आपको पता होनी चाहिए. अगर जो पैसा जिस रेट के ऊपर आरबीआई जिस रेट पे देता है बैंकों को, उसको तो अपन रेपो रेट कहते हैं, समझ गए, और जो वापस लेता है उसको अपन रिवर्स रेपो कहते हैं. ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए, ओके. और नाजे स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है जो आपको सीएसआर मेंटेन करने के लिए जो चाहिए होता है, मतलब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और बाकी सब चीजों को, कैश को, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें से जो फैसिलिटी है वो उसको मिलती है. ठीक है, अभी देखिए करंट में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, क्योंकि बैंकों से धन वापस ले रहा है आरबीआई. तो वापस लेने वाली, मैंने आपको बताया था, रिवर्स रेपो रेट होता है, जो कि हमेशा आरबीआई थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे देता है बैंकों को और कम इंटरेस्ट पे वापस लेता है, तभी तो फायदा होगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है. आज की प्रेजेंट देखिए आप, रिवर्स रेपो रेट चल रही है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 6.25%, यानी कि ज्यादा पे देगा और आरबीआई कम पे लेगा, तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. मार्जिन स्टैंडिंग 6.75 और बैंक रेट भी 6.75. ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो 4% हमेशा की तरह वो रहता ही है. आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको पुरुषों के बैलन डीओर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसके बारे में हमने सुबह करंट अफेयर में भी 8 बजे वाले में डिस्कस किया था. पिछले 10 साल से रोनाल्डो और मैसी इसके ऊपर राज जमाए हुए थे, और अभी पहली बार लुका मॉड्रिक, जो कि क्रोएशिया के मिडफील्डर है, फाइनल तक इन्होंने अपना सफर तय किया था,
फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, तो उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे चलते हैं, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स। फैलकॉन रॉकेट का नाम आपने सुना होगा, फैलकॉन, ठीक है, 9 रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष में जाता है, वापस आता है और सेम रॉकेट वापस जाता है, यानी कि रीयूजेबल रॉकेट है ये जो कंपनी बनाती है, इससे कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। और इनका सपना है कि 2025-30 तक क्या करें, मार्स के ऊपर हम ऐसा रॉकेट लेके जाए जो लोगों को घुमा के लेके आएगा, ठीक है, लेके जाएगा और घुमा के लेके आएगा। हालांकि इन्होंने बोला है कि वो खुद भी हो सकते हैं और वापस आने का पता नहीं, सिर्फ जाने जाने का पता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, इलॉन मस्क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पेपल और भी कई सारी कंपनियां जो इन्होंने पहले बनाई है। अगला सवाल है, किस तारीख को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, अभी कुछ टाइम पहले ही गया है। आंसर क्या होगा, 5 दिसंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उल्लास नारायण किस खेल से संबंधित है? अल्ट्रा मैराथन इन्होंने अभी जीती है, मेडल जीता है और भारत के पहले पर्सन है, तो अल्ट्रा रनिंग इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं और आपको बताना है इन घटनाओं के चक्र के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले लखनऊ संधि, ठीक है, सबसे पहले लखनऊ संधि है, उसके बाद में आपको बताना है पूना पैक्ट, ओके, और उसके बाद में आपको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं लखनऊ पैक्ट की, तो ये नवंबर 2016 की बात है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट 2016। उसके अलावा अगर बाकी बात करें, ठीक है, पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट जो है दोस्तों ये 1932 के अंदर, ठीक है, ये 32 के अंदर करवाया गया था। पूना पैक्ट भी सितंबर के अंदर हुआ था 32 में, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, ये तो आपको मालूम ही है। और 24 सितंबर 1932 यानी कि आपका यहाँ पे 32 हो गया और ये सितंबर की बात है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये नवंबर 1932 की बात है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों संधियां जो है वो आपके पेपर के जो ये गोल में सम्मेलन संधियां ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वैसे, है ना। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में स्थित है? 90 डिग्री पूर्वी कटक आपको बताना है, और दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा मैप, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, इंडियन ओशन आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं मैप के अंदर, इसको बोलते हैं 90 डिग्री पूर्वी कटक, ओके, एक तरीके की रिज लाइन है ये जो कि इंडियन ओशन के अंदर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच ट्राई जंक्शन बनाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, ओके। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा धीपू, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि आपके पेपर में आता है, और ये ट्राई जंक्शन के ऊपर है, ठीक है, ट्राई जंक्शन जो है उसके ऊपर है, ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत दिया था? और ये है दोस्तों आपके क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको सही और जवाब देना है कमेंट के अंदर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको काफी मदद करेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने आने वाले जो CBT 2 एग्जाम है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं करी है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है और अच्छी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिली है, तो टेस्ट सीरीज का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आपके मॉक टेस्ट विद द वीडियो सॉल्यूशन है जो कि वाईफाई स्टडी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक होगा, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक है जहां से आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और आपको कई सारे 1500 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कराए जाएंगे विद द वीडियो सॉल्यूशन। एक दिन पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो जिन बच्चों ने किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स या बाकी सब ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने प्लस कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको PDF इसकी ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है सारे को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज, काफी बच्चे हैं जो कि हजारों बच्चे हैं जो कि टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे, तो टेस्ट सीरीज के अपग्रेडेड वर्जन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप काफी बेनिफिट उठाएंगे और अपनी तैयारी को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।